भीतर के नेत्र में समाहित हो जाना। के मुड़ते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है उसे देखते रहना। लगातार देखते रहना। Be seer, be witness, be observer. Of whatever happening inside before you. Simply look. Become more and more awakened. The mind. मन से हट करके मन की गति को देखना, जागे जागे देखना ही मेडिटेशन है। मन को हटाना नहीं, मन को रोकना नहीं, दबाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, मन के प्रति कोई प्रयास नहीं करना। भीतर के अंधेरों को दूर करने के लिए कोई किसी प्रकार का यत्न नहीं करना, कछु करना नहीं। भीतर की यात्रा पर तुम शांत मौन मुदित अवस्था में प्रतीक्षारत रहना, अर्थात केवल देखते रहना। भीतर की ओर जागना तेरा धर्म है। संसार के प्रति बहुत जागे हैं हम, किंतु भीतर पूरी तरह सो गए हैं। ये दुर्भाग्य घटित नहीं होने देना। अपने भीतर की अवेयरनेस को, अपने भीतर के जागे को भी भरपूर कर लेना। दोनों ओर जागे रहना। भीतर जागना बहुत जरूरी है। मन की गोदी से, मन के हिप्नोटिज्म से, मन की सम्मोहित स्थितियों से स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। ये तेरा परम कर्तव्य है, इसे पूरा करना, इसे फुलफिल कर लेना। भीतर की ओर जागे रहना। वर्तमान में रहना, तुम भीतर रहना, मन कहीं भी जाए, किसी भी दिशा में जाए, पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं भी जाए, let it go anywhere it likes, but you have not to accompany it. You simply see the mind's activities. पल
मन बाहर की ओर जाता है। बीते हुए कल में आने वाले कल में विचरता है, अपने साथ ले चलता है। हम इतने आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, हम इतना तादात्मा है, मन के साथ रख बैठते हैं कि तनिक मात्र भी डिस्टेंस नहीं रहता। परंतु जब याद आती है अपने स्वभाव की, तो वापस लौटना, तुम शिवनेत्र होकर के देखते रहना। जो जो दिखाई देता है वो सब मन का खेल है, परंतु जो देख रहा है, जिसको सब दिखाई दे रहा है, भीतर की तल पर घटित होता हर हालात दिखाई दे रहा है जिसको, जो हर पल जागा है, हर पल देख रहा है, वही है तू, वही है तू देखने वाला। उस ओर उतरते चले आना, उस ओर बढ़ते चले आना, उसी में स्थित हो जाना। विचार दशा से भाव दशा की ओर, और भाव दशा से भावातीत की ओर ये भीतर की पावन पवित्र यात्रा जीवन यात्रा है। अज्ञात की यात्रा है, डूबते चले जाना अपनी प्यास में। भीतर प्यास का एक्सप्लोजन होने देना, अपनी भाव दशा को बढ़ने देना। ये प्यास, ये तड़पन हृदय की प्यास प्रार्थना बनकर के उठी।
रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती सारी दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, ना देखूं मैं जग का इशारा, ना देखूं मैं जग का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। दुनिया के लोग अशांति की जिंदगी जीने की एकमात्र दिशा देते जाते हैं, जिस ओर अशांति ही अशांति है, जिस ओर दुख ही दुख है, पश्चाताप ही पश्चाताप है, भले वो आज कितने भी सुंदर सपने लगते हैं, कितने प्यारे प्यारे सपने लगते हैं, भले वो आज कितना भी आकर्षण रखता है, परंतु परिणाम स्वरूप में अंततः पश्चाताप के बादल हैं, मंडराए चले जाते हैं, हर पल हर घड़ी एक पश्चाताप चारों ओर अपना अंधेरा लिए खड़ा है, जब हाथ से सब छूटता, सब खो जाता, ऊर्जा एनर्जी नहीं रहती, सब और से तो खाली होता चला जाता है, एक पश्चाताप तेरे भीतर कूदता हुआ तुझको खाए चला जाता है, ये दिशा है संसार की, सब जग वाले तुझको उस दिशा की ओर देखना चाहते हैं, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, अशांति ही अशांति है, पश्चाताप ही पश्चाताप है, उस ओर तेरे कदम उठे तो दुनिया खुश होती है, परंतु उसके विपरीत अगर सही दिशा की ओर तेरे कदम उठे, अपनी दिशा 11वीं दिशा की ओर तेरी आंख उठे तो ये दुनिया सहन नहीं करती। पदार्थ की जगत में तो कितना भी चला जाए सहनीय है, किंतु परमात्मा की दिशा में तो एक कदम भी उठाए तो असहनीय हो जाता है। इन जग वालों के लिए वही एकमात्र असहनीय है, उस और कदम उठते ही भले तेरे जीवन में बहारें उतरने लगती, भले तेरे भीतर का मीटर तुझे बताने लगता यही है दिशा, चला चल, परंतु जगवाले
अनेकों लोभ लालच आकर्षण ग्लैमर खड़े कर देते हैं। तू जग की बात छोटी सी करे, तेरा साथ देने को तैयार है। तू अपनी कामना वासना की पूर्ति के लिए कदम उठाए तो दुनिया तेरा साथ देती, परंतु अगर तू उपासना साधना प्रार्थना के लिए आंख उठाए तो ये सारी दुनिया तुझे पेट कर देती। इवन बहुत बड़े बड़े प्रभु के दीवानों को भी देखा, जब घर में कोई दीवानगी में उतरने लगता है तो वो स्वयं भी उसको संसारी बनाने में लगे रहते हैं। संसार की ओर उन्मुख करने के अंदर तनिक मात्र कमी नहीं छोड़ता, वो नहीं सहन होता कि कोई घर में ध्रुव प्रहलाद पैदा हो जाए, कोई मीरा सहजो राबिया इंदुमती गार्गी, कोई मैत्रेयी, कोई सीता सावित्री जैसी नारी, कोई राबिया जैसी कन्या घर में ही उतरे, नहीं ये सहनीय नहीं। कारण क्या है? कारण एक ही है कि जब तू प्रभु की ओर आंख उठाता तो सब चारों तरफ के लोग इग्नोर होते हैं, उनकी स्वार्थ परता पूरी नहीं होती, उन्हें एक खटका एक इनसिक्योरिटी एक असुरक्षा की भावना घर कर जाती कि अब हमारा क्या होगा। जैसे मृत्यु के पश्चात घर वाले सब छाती पीट पीट के रोते यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि हमारा क्या होगा, तो ये जीती जागती मौत है प्रभु प्रेम प्रभु प्यास, ये जीती जागती मौत है। इसमें उतरने वाले, इसमें जोखिम उठाकर चलने वाले, इस एडवेंचर पर कदम रखने वाले मानो मौत को छाती से लगाने चले हैं, कोई सहन नहीं करेगा। अब तो उनके योग्य नहीं रहेगा, अब तो उनके अनुसार नहीं चलेगा, अब तो उनको अवसर नहीं दे पाएगा मालकियत का, उनको अवसर नहीं मिलेगा अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तेरे कंधे को इस्तेमाल करने का, उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। उनकी मोहमता उनकी आसक्ति उनकी अटैचमेंट आड़े हाथों लेती चली जाती है तेरी भक्ति को तेरे प्रेम को, परंतु ऐसी अवस्था में तुझको एक ही सहारा है मुर्शिद का, वो है तेरा स्रोत प्रथम चरण में, वो है तेरा एकमात्र सहारा तेरा स्रोत, जहां से तू साहस और हिम्मत की जागरण की होश की सुरती की पावन पवित्र बहती धारा उपलब्ध होती चली जाती है, तो उस ओर खींचता चला जाता है जहां तुझको अपने अनुकूल वातावरण अपने भीतर की राहों पर उतरने का साहस हिम्मत एडवेंचर जुटता चला जाता है। उसके साथ तू अज्ञात की यात्रा पर अपनी नौका खोलने को तैयार हो जाता है। अपनी नैया को अपनी नौका को अपनी नाव को उस अज्ञात राहों पर उतार देता है मुर्शिद के साथ साथ। जहां जिस प्यास में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाती, कब मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, क्वेश्चन नहीं उठता। एडवेंचर पर उतरते ही दुनिया भले कितनी दुश्मन हो जाए, कितनी शत्रु हो जाए, कितने भी शस्त्र उठा ले तेरे प्रति, तू अपनी मुस्कान भरी
एडवेंचरस लाइफ को और भी बढ़ावा देता चला जाता है। तेरे कदमों पर तनिक मात्र भी भय अहंकार अभिमान अस्मिता आलस्य भय इत्यादि कोई भी अंधेरा नहीं उतर सकता। तेरे हर कदम प्रकाश को चूमता हुआ उस अज्ञात की यात्रा पर बढ़ता चला जाता है। ये जीवन नौका मुर्शिद के हाथ देकर के चल देता है तो अज्ञात की राह पर कदम उठाने वाले को क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है? वो तो केवल एक प्यासा दीवाना ही उठा सकता है, दूसरा कहां। दूसरे के पास तो बहुत बहानेबाजियां हैं, बहुत बहुत चालाकियां और चतुराइयां हैं, बहुत बहुत बातें करने को हैं, बड़ी बुद्धि है, बड़ा दिमाग है, बड़ा मन का चतुराई चालाकी चालबाजियों का घर है। उसके पास तो बहुत कुछ है, वो कदम कहां उठा पाएगा? वो जब कहां कैसे कैसे लगा सकेगा? केशव चंद्र सेन जैसा महान विद्वान, एक अनपढ़ अपढ़ गंवार गांव का छोरा रामकृष्ण जो परमहंस हो गए, उसके द्वार पर दुनिया का माना हुआ लर्नर्ड पर्सन, दुनिया का माना हुआ दार्शनिक फिलोसोफर थिंकर लॉजिशियन तार्किक अपना सब कुछ लुटाए बैठा है। उस अपर इलिटरेट दो जमात फेल उस दीवाने के द्वार पर आज दुनिया का माना हुआ सुप्रसिद्ध विद्वान अपने आप को कितना अज्ञानी इग्नोरेंट पाता है। उसके दर्पण में देखते ही वो अपने आप को कितना भद्दा नजर आता है। दुनिया का माना हुआ विद्वान आज अपने आप को कितना भीतर अपढ़ गवार अनपढ़ देखता अज्ञानी देखता है। मैं निपट अज्ञानी तेरे सामने ओ परमहंस ओ रामकृष्ण। और तुम प्यासे दीवानों को पढ़ाने चले, उनकी पढ़ाई का इंश्योरेंस कराते हैं। समझदार बुद्धिमान है ना, चतुर है, चालाक, कहते हम तो पढ़े नहीं, कम से कम बच्चे तो पढ़ जाएं, बहुत अच्छा सोचा। किंतु बच्चों की प्यास को ना दबाना, घर उन्हें प्यास है प्रभु की, घर उन्हें प्यास है अपने प्रीतम साहिबा तक पहुंचने की, घर उन्हें प्यास है ध्रुव प्रहलाद जैसी, नरेंद्र जैसी, विवेकानंद जैसी, घर उनके भीतर प्यास है मीरा सहज और राबिया जैसी, घर उनके भीतर प्यास उठी है, दर्द उठा, एक प्रेम उठा है, प्रेम जगा उस मालिक के लिए, प्रभु के लिए, उस निष्कपट निर्दोष हृदयों पर एक वीणा गूंजी है विरह की, उसको दबाने की कोशिश ना करना वरना महापाप हो जाएगा। किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, किसी भी आयु में अगर ये वीणा बजे विरह की, उसको दबाने की कोशिश ना करना, अपनी बुद्धि उस पर लादने की कोशिश ना करना, अपनी बुद्धि को वहां से हटा लेना और तू भी उसमें शेयर करना, उसमें डूब जाना, तू भी उसमें सम्मिलित हो जाना उस काफिले में जहां दीवानों का जमघट उमड़ा, तुम उसमें सम्मिलित होकर के अपने जीवन को भाग्यशाली बना लेना। यह है भीतर की ज्योत, भीतर का प्रकाश, भीतर का एकमात्र ज्ञान ध्यान जिसके सामने दुनिया भर की किताबें शिक्षाएं सब सर झुकाए बैठी होती है।
जहां सब हैपलेस हेल्पलेस अनुभव होता है, जहां सब एकमात्र गुजरा हुआ समय भी पश्चाताप बनकर के सामने आता है। ये प्यास, ये दर्द, ये पीड़ा, ये व्यथा, ये विरह अगन अगर किसी के हृदय पर उठने लगे, किसी दिल में जलने लगे, तो उसके सहयोगी हो जाना, ना कि उसके रास्तों पर किसी प्रकार का भी अंधेरा उतारना। ये पाप मत करना। हमने बहुतों को सुना, बड़े दीवाने हैं, बड़े भक्त हैं, बहुत त्यागी होते हैं, परंतु भीतर कुछ बदला नहीं, कुछ रूपांतरित नहीं। जो जो प्रकृति के थप्पड़े लगते हैं, थोड़ा संभलते हैं, थोड़ा समझने लगते हैं, परंतु पुनः बुद्धि हावी हो जाती है। मैं मेरा अहंकार हावी हो जाता है, फिर वही वही रेपिटेशन में उतर जाता है, वही पुनरुक्ति जीवन को खाए जाती, पकड़े जाती, गुलामी की जंजीरें उतारती चली जाती, पुनः बांधती चली जाती है। और वो सब प्रकार का जो थोड़ा सा उठा था भीतर भाव, भीतर एक समझ, एक विवेक, एक विस्तम, वो सब लुप्त प्राय हो जाती है। इस घड़ी में वो बेचारा हो जाता है। कितना सुंदर केशव चंद्र सेन ने कहा, बाबा मुझे बेचारा ना होने देना, मैं तेरी द्वार उतरा, मैं तेरे चरणों पर मन बुद्धि चढ़ाने चला आया, मुझे बेचारा ना कोई कहे, मेरा मन भी मुझे बेचारा ना कहे। ये दुनिया कितना लोभ, कितना लालच, कितनी बहारें सपनों की उतार देती है, कितने कितने ग्लैमर खड़े करती, क्या क्या आकर्षण खड़े कर देती है चारों ओर। और तेरे सुलगते हुए शोलों को गलत दिशा दे बैठती है, अपनी अनुसार चलाना चाहती है ये दुनिया तुझे। ओ दीवानी, संभल के रहना, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। ना देखो मैं जग का इशारा, ना देखो मैं जग का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे मुर्शिदा मुझको देना सहारा, मेरे वाहे गुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।